Hello, welcome to CR International online classes. Today we are going to discuss about our next chapter जो कि हमने कल शुरू किया था, force and energy. आज हम इसी chapter को, अपने इसी topic को आगे continue करेंगे. कल हमने force के बारे में पढ़ा था और हमने इसमें कल force के types पढ़े थे. Force के types में हमने gravitational force, frictional force, है ना, इलास्टिक फोर्स एटसेट्रा, कई टाइप के फोर्स के बारे में जो है पढ़ा था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स. कल हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जाना था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स किस प्रकार होता है, किस प्रकार उत्पन्न होता है. आज हम फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में जानेंगे. चलिए शुरू करते हैं. देखिए, नेक्स्ट जो फोर्स है हमारा वो है फ्रिक्शनल फोर्स. कल फर्स्ट हमने पढ़ लिया था ग्रेविटेशनल, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स अगेंस्ट द मोशन एंड स्टॉप्स ए मूविंग ऑब्जेक्ट. इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये किसके अगेंस्ट काम करता है? मोशन के अगेंस्ट. मोशन यानी कि गति, गति में कोई चीज है तो उसके अपोजिट ये काम करता है. अपोजिट क्या हुआ, यानी कि उसकी गति को कम करना या फिर उस गति, जो भी वस्तु गति में है उसको स्टॉप कर देना. ठीक है, एंड स्टॉप्स ए मूविंग ऑब्जेक्ट, उस मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर देना. ठीक है, तो इसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट अगेंस्ट द मोशन एंड स्टॉप्स ए मूविंग ऑब्जेक्ट. यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो गति के अगेंस्ट, विरुद्ध काम करता है. कोई चीज मोशन में है तो उसको रोकने का काम वो करता है. आप लोगों ने देखा होगा कि चलती हुई गाड़ी, जब हम गाड़ी या बस में आप लोग बैठे होंगे, बस या गाड़ी, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब गाड़ी या फिर बस कोई भी वो स्पीड में चल रही होती है, जब उसको ब्रेक लगाया जाता है, जब ब्रेक लगता है तो वो क्या होता है, उसके ऊपर गति के ऊपर क्या लगा, एक नीचे से जो है फ्रिक्शनल फोर्स लगता है. फ्रिक्शनल फोर्स जो लगा यानी कि उसको गति को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए जो उसके ऊपर फोर्स लगाया गया वो फ्रिक्शनल फोर्स था. फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही जो है कोई भी गतिमान जो वस्तु होती है वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, या फिर उसकी जो गति है, उसकी मोशन है वो कम हो जाती है. ठीक है, तो इस प्रकार से एक एग्जांपल और मैं आपको दे के बताना चाहती हूँ. आप लोगों ने बॉल देखी होगी, बॉल को जब हम किक करते हैं ग्राउंड में तो वो थोड़ी दूर चलती है और थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, धीरे धीरे कम होने के बाद वो रुक जाती है. तो वो भी किस वजह से रुकी, क्योंकि ग्राउंड से उसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है. फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जो मोशन के अपोजिट लगता है, तो क्या करता है वो गतिमान वस्तुओं को, यानी कि जो भी वस्तुएं मोशन में है उनको रोकने का कार्य करता है या फिर उनकी स्पीड को कम करने का कार्य करता है. ठीक है, देखिए, व्हेन यू किक ए फुटबॉल, जब आप एक फुटबॉल को किक करते हैं, आफ्टर सम टाइम द बॉल शोज स्लोस डाउन एंड स्टॉप. तो जो वो फुटबॉल है या बॉल है वो धीरे धीरे पहले स्लो होती है, उसकी गति कम होती है और आगे चल के वो अपने आप रुक जाती है, यानी कि उसके ऊपर कुछ ऐसा फोर्स लगा जिससे वो रुक गई. तो ग्राउंड से जो है उसके ऊपर एक फोर्स लगा, फ्रिक्शन फोर्स लगा, जिस वजह से वो आगे थोड़ी दूर जाके जो है वो रुक जाती है. तो इस प्रकार के जो फोर्स है, इस प्रकार का जो फोर्स है जो गति वाली वस्तुओं को, गति करती हुई वस्तुओं को रोक देती है, रोक देने का कार्य करती है, ऐसे फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एक और देखिए. दिस इज बिकॉज ऑफ द
फ्रिक्शन फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से फ्रिक्शन लगा इसीलिए वो बॉल जो है रुकी। फ्रिक्शन हेल्प अस इन वॉकिंग ऑन द ग्राउंड विदाउट स्लीपिंग, और फ्रिक्शन के हेल्प से ही हम ग्राउंड पर जो है सीधे चल पाते हैं बिना फिसले, ठीक है। तो फ्रिक्शन हमें सीधे चलने में भी सहायता करता है। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट फोर्स है वो है इलास्टिक फोर्स। देखिए, इलास्टिक फोर्स एक्ट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेच्ड और कॉन्ट्रैक्टेड। आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा कि जब हम किसी रबर बैंड को अपने फिंगर्स में लेकर इस तरीके से खींचते हैं, स्ट्रेच्ड करते हैं, तो हम अपनी फिंगर के द्वारा क्या लगा रहे हैं, उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो वही जो है उसकी जो हमने फोर्स इसके ऊपर लगाया है इलास्टिसिटी के कारण जो फोर्स उसके ऊपर पैदा हो रहा है वही हमारा क्या कहलाता है, इलास्टिक फोर्स। देखिए, इलास्टिक फोर्स एक्ट्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेच्ड, जब किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच किया जाता है, खींचा जाता है, और कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड यानी कि सिकुड़ना, या तो स्ट्रेच किया जाता है या फिर सिकुड़ता है, श्रिंक होता है। तो जिस फोर्स के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेच या फिर श्रिंक होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस फोर्स को इलास्टिक फोर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ए स्ट्रेच रबर बैंड कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिलीजिंग। जब हम उस रबर बैंड को जो है स्ट्रेच किया था तो उसके ऊपर जो फोर्स लगा था वो इलास्टिक फोर्स था, जब हम उसको छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो क्या होता है, जो रबर बैंड है वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने उसको स्ट्रेच किया था उस टाइम उसके ऊपर कौन सा फोर्स वर्क कर रहा था, इलास्टिक फोर्स उसके ऊपर जब उस टाइम पे वर्क कर रहा था, और जैसे ही हमने उसको छोड़ा, रिलीज किया, वो जो रबर बैंड था अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ गया, ओरिजिनल शेप और साइज दोनों में वो वापस आ गया, ठीक है। आगे देखिए, दिस हैपेंस ड्यू टू इलास्टिक फोर्स, और ये जो प्रोसेस है ये क्यों होता है, इलास्टिक फोर्स के कारण ये सब कुछ होता है। एनी चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इलास्टिक फोर्स, कोई भी चेंज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है उसकी शेप और साइज में कुछ भी चेंज हो रहा है तो वो किस कारण हो रहा है, इलास्टिक जो है फोर्स के कारण होता है। अवर नेक्स्ट फोर्स इज मैकेनिकल फोर्स। देखिए, मैकेनिकल फोर्स क्या होता है, मैकेनिकल फोर्स इज ए फोर्स यूज्ड बाय मशीन्स। हम बहुत से कार्य ऐसे करते हैं जो हमें मशीनों के द्वारा करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमें किसी भी वस्तु पर फोर्स लगाकर उसको तोड़ना है, या फिर कहीं पर हमें दीवार पर कोई जो है आयरन नेल को ठोकना है तो हम हमर का यूज करते हैं, तो उस हमर से हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं, तो हमर क्या हुई, एक मशीन हुई जिससे हमारा कार्य हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार जो मशीन हमारी जो सहायता करती है, मशीनों की सहायता से जो फोर्स लगाया जाता है वो कौन सा फोर्स होता है, मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स इज ए फोर्स यूज्ड बाय मशीन, यानी कि जो फोर्स मशीनों के द्वारा लगाया जाता है उस फोर्स को क्या कहा जाता है, मैकेनिकल फोर्स। एग्जाम्पल, ए हमर यूजेस मैकेनिकल फोर्स टू बीट समथिंग। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बता ही दिया था पहले, वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर भी एक बार जो है लिखा है कि कोई भी फोर्स लगाने के लिए या किसी चीज को बीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमर यूज करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक आप लोगों को चैप्टर रीड करना है अच्छे से।